हेलो गाइस, आई एम गोना शो यू माय लिटिल गार्डन ऑन माय बैकयार्ड। ये हमारे घर के पीछे छोटी सी हमारी बगिया है जो हम आपको गाइस दिखाने वाले हैं। ये गेंदा के फूल हैं, आप जानते होंगे इन्हें कितने ज़्यादा प्रेटी हैं, देख सकते हैं इन्हें। ये भी मैरीगोल्ड के ही फ्लावर्स हैं। ये पीछे हरी सब्जी लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे एक बटरफ्लाई थे, वो खा रहे थे। हेलो गाइस, ये देखिए, ये मदार के फूल हैं, आप देख सकते हैं। ये भी प्रिटी लगते हैं, ये पेड़ भी बहुत जल्दी लग जाता है। देखिए, देख सकते हैं, देखिए इस पे मधुमक्खी बैठी हुई थी। ठीक है, ये तो उन्हें आप अच्छे से ही जानते होंगे, ये बारहमासी के पेड़ हैं। इन्हें बारहमासी कहते हैं बिकॉज ये 12 मंथ स्टैंड रहते हैं, 12 मंथ फ्लावरिंग होती रहती है इनमें। ये देखिए इसके फ्लावर्स कितने प्रेटी हो रहे हैं, कई सारे रंगों में आते हैं ये मार्केट में, इतना प्यारा लग रहा है। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, माय फेवरेट मैरीगोल्ड, कितने सुंदर लगते हैं ना ये प्रेटी। ये देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। अच्छे लग रहा है, यहाँ पर भी है। देखिए ये पूरे पेड़ में आपको दूर से दिखाती हूँ, पूरी तरह झुक गया। ये देखिए कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, वाह। यहाँ भी देख सकते हैं ये अब सूखने लगे हैं धीरे धीरे। और ये पपीता का पेड़ है, इसे आप जानते ही होंगे। ये देखिए इस पे मधुमक्खी बैठी हुई है, ये हनी हनी के लिए रस इकट्ठा कर रही है फ्लावर से, आपको दिख रहा हो। देखिए यहाँ पर एक और है, मेरे फ्लावर्स पे जो बीज होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हम आपको अपनी जो बगिया है और ले चलते हैं अंदर। देखिए यहाँ पर भी कितनी हनी बीज हैं, देख रहे हैं, रस इकट्ठा कर रही हैं ये लोग। तो आपको हर फ्लावर में हनी भी दिख जाएगी। देखिए मधुमक्खी इस फ्लावर में भी है, आपको देख, ये देखिए। ये प्यारे लगते हैं ना, और ये देखिए हमारी यहाँ पर भी कुछ फ्लावर हैं, 5 पत्ती वाले फ्लावर हैं। ये एक दूसरा पपीता का पेड़ है जो कि अभी छोटा है, यहाँ पर भी देखिए कुछ फ्लावर्स हैं, इसमें भी हनी भी है। इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ये है धनिया। देखिए धनिया लगी हुई है, पहले मैं वाइड व्यू में आपको दिखाती हूँ अपना गार्डन। ये देखिए कितनी सारी हरी सब्जी लगी हुई है यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये भी धनिया है, कितनी सुंदर लग रही है ना। ये बताइए ये क्या है, ये मूली के पत्ते हैं। यहाँ पर वो देखिए, वहाँ पे पालक लगी हुई थी जहाँ वीरान सा हो गया है पालक, क्योंकि काट ली गई है। और ये आई थिंक मेथी है, हाँ बीच में मेथी लगी हुई है, उस साइड भी मेथी लगी हुई है। किनारे किनारे मूली लगी हुई है, क्योंकि मूली के पत्ते की हम भुजिया भी बना सकते हैं, इसलिए मूली काफ़ी लगाई रखी है पापा ने यहाँ पर। और ये देखिए ये लौकी का पेड़ है, यहाँ पे लौकी पहले तो लगी थी,
कुछ हम लोगों ने खाए। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी लटक रही है। अब पास तो मैं पहुँच नहीं पाऊंगी, मैं यहीं से जूम कर देती हूँ। ये देखिए ये लौकी है, पेड़ को कुछ बीमारी लग गई है जिससे जो बच्चे लगते हैं बट उनके जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। यहाँ पे देखिए दो लगी हुई हैं, ये लौकी है। ये पेड़ भी ऊपर हमने फैला दिया है। ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी बगिया, ये देखिए बस यहाँ। बाकी तो हमारा आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने जो हमारा गार्डन रूफ में गार्डन है उसको हमने दिखाया था, उसमें काफ़ी फ्लावर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर केवल ये आपको मैरीगोल्ड के फ्लावर ही मिलेंगे, देखिए। पर भी यहाँ पर भी ओनली आपको यहाँ पे गेंदा 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 ही मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।